जेईएस के रोकथाम संबंधित मंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने निर्देश दिए कि मंडल के सभी ईटीसी इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर क्रियाशील हो और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी ईटीसी का भ्रमण कर जहाँ जो कमियाँ हो उसे प्रमुखता के आधार पर ठीक कराएं। यदि मैन पावर की कमी हो तो उसे भी पूरा किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक ईटीसी पर अप्रैल से अक्टूबर तक कम से कम 3-3 स्टाफ नर्स की तैनाती की जाए ताकि ईटीसी पर 24 घंटे जेईएस के मरीज देखे जा सके। मंडलायुक्त ने कहा कि मंडल में जेईएस मृत्युदर शून्य किया जाए तथा इस दिशा में अभी अधिकारी आपसे समन्वय बनाकर पूरी तत्परता के साथ कार्य करें जिससे समय रहते इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वस्थ करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता के साथ करें। किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। बैठक में एडी हेल्थ सहित मंडल के चारों सीएमओ तथा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसी हिसाब से ईटीसी में आपकी एक प्रॉब्लम थी चारों सीएमओस की कि मैन पावर स्पेशली नर्स की है, नर्सिंग स्टाफ की कम है जिससे आप राउंड द क्लॉक नहीं चला पा रहे। उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं सर? उसमें पत्र तो गया था जिससे भेजिए पत्र, उसमें पत्र में आप लिखिए कि गोरखपुर में 2016 से क्या स्थिति रही है और उस स्थिति के सापेक्ष जनसंख्या में वृद्धि होने के बावजूद हमारा जो एक्चुअल नर्सिंग स्टाफ ईटीसी में काम कर रहा है वो कम हो रहा है और व्यक्तियां नहीं थी। इन व्यक्तियों को यदि समय रहते पूरा नहीं किया गया तो ईटीसी की फंक्शनलिटी इफेक्ट होगी। ईटीसी की फंक्शनलिटी इफेक्ट होगी तो हमने पूरा कि हमारी स्ट्रेटजी जो है ईटीसी डीपू और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड देन जीआरडी वो अफेक्ट हो जाएगी और फिर ये बीमारी को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अनुरोध है कि ये व्यक्तियाँ भरी जाएँ, कि नहीं भरी जाती हैं तो आउटसोर्सिंग पर अनुमति दी जाए और नहीं दी जाए कम से कम उस 3-6 महीने में हमें जरूर अनुमति दे दी जाए। तो सीएमओस बताएं 8-8 घंटे के लिए 3 नर्सेज अवेलेबल हैं? उसकी चिंता मत करिए, वो तो टेबल देंगे ना ये लोग ईटीसी वाइज कितने कहाँ पर है। परसेप्शन है जो पिछली बार विजिट किया था उसमें कई ईटीसी पर 3 लोग नहीं है, मिनिमम 8-8 घंटे के लिए 3 लोग होना चाहिए और हमें कम से कम अप्रैल टू अक्टूबर को वो 3 लोग मिले जिससे कि ईटीसी में रात के 3 बजे भी यदि कोई बच्चा जाता है, गांव में कोई जाता है तो वहां नर्स होनी चाहिए। मीटिंग है आपका, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, यदि इस मंडल में हमें स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना है और हमें सारे नागरिकों को स्वस्थ करना है, इन दोनों विभागों को बहुत तारतम्य में काम करना है। कुछ ही प्रदेश हैं जो बड़े हैं जहां पर ये दो विभाग अलग हैं, अदरवाइज एक ही विभाग होता है। और हमें अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभानी चाहिए। आज आप बखूबी से नहीं निभाएंगे कल आप ही 12 घंटे काम कर रहे होंगे और ये बिल्कुल यदि क्लियर विजन है तो आपको दिखेगा। एक दूसरा, बीआरडी को हमें छोड़ना चाहिए सुपर स्पेशलिटी और टर्शरी केयर के लिए। यदि इनके यहाँ भी फीवर में के लिए मरीज जाएगा, इनके लिए भी सरदर्द के लिए जाएगा, प्राइमरली जो प्राइमरी सेकेंडरी केयर है वो प्रयास ये होना चाहिए कि वो हमारा जो हमारा तंत्र है पीएचसी का सीएससी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हम वहां पर खत्म करें जिससे इनके पास जब सीरियस पेशेंट जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ मेरे मंडल के नहीं 2-3 जिले और बस्ती वाले भी सब जाते हैं। हालांकि बस्ती में मेडिकल कॉलेज है लेकिन इनके पास गोपालगंज सिवान कम से कम चंपारण वेस्टर्न नेपाल के जिले और ये मेरे 4 जिले और इधर संत कबीर नगर बस्ती नहीं तो कम से कम सिद्धार्थ नगर इन सबसे पेशेंट आते हैं, वो भी डॉक्टर हैं आप भी डॉक्टर हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि ईटीसी जब हमारा तंत्र है उसे फुली फंक्शनल होना चाहिए। यदि ईटीसी तंत्र ठीक से काम कर रहा है और इसलिए मैं सीएमओ कुशीनगर से कहूंगा और डीएम कुशीनगर की मीटिंग में बताइए, मैं भी 27 को बोलूंगा यदि चाहता हूं कि ईटीसी को एक्टिवेट करें।